हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, रसोई गैस के सिलेंडर तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे। ये सिलेंडर हमेशा लाल रंग के होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये गैस सिलेंडर लाल रंग के ही क्यों होते हैं, किसी और रंग के क्यों नहीं होते? क्या आप लोगों को पता है कि बंद बाइक से टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है? और जब पंखा धूल को हवा से साफ कर सकता है तो वह खुद गंदा क्यों हो जाता है? चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर वन, हवा फेंकने वाला पंखा गंदा क्यों हो जाता है जबकि हवा से तो धूल साफ होती है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे कोई भी पंखा हो, चाहे वो छत वाला पंखा हो या टेबल वाला पंखा हो, जब हम उसको चलाते हैं तो वह अच्छी खासी हवा फेंकता है। यदि हम उसके सामने धूल से भरी हुई एक प्लेट रख देंगे तो वह धूल प्लेट से उड़कर हवा में चली जाएगी, क्योंकि पंखा उस धूल को तेज़ हवा से उड़ा देता है। अब सवाल यह है कि जब हवा से धूल साफ हो जाती है या उड़ जाती है तो फिर हवा को फेंकने वाला पंखा ही गंदा क्यों हो जाता है? दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि पंखे की पंखुड़ियाँ एक विशेष प्रकार के डिजाइन से मुड़ी होती है। ये पंखुड़ियाँ अपने पीछे मौजूद हवा के कणों को अपनी ओर खींचती है और तेज़ी से धक्का देकर उनको आगे भेज देती है। यह प्रक्रिया बहुत स्पीड से होती है और इसी प्रक्रिया के दौरान हवा में मौजूद नमी भी पंखुड़ियों पर चिपक जाती है और पंखुड़ियाँ हल्की गीली हो जाती हैं। हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे कण इन गीली पंखुड़ियों पर चिपकते रहते हैं और कुछ समय बाद आपका पंखा गंदा हो जाता है। फैक्ट नंबर टू, जब हम बाइक को बंद करते हैं तो इंजन के पास से टिक टिक की आवाज़ क्यों आती है? जब हम बाइक को कुछ देर चलाने के बाद बंद करते हैं तो उसके इंजन के पास से हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि बाइक से निकलने वाले धुएं में कई प्रकार के हानिकारक कण होते हैं। उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है जो बहुत जहरीली गैस है। इसके अलावा अधूरे जले हुए हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं। इन सबसे निपटने के लिए बाइक के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो इन गैसों से प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। जब हम बाइक को चलाते हैं तो सिलेंसर में लगा हुआ यह कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन के साथ साथ बहुत गर्म हो जाता है। इसके साथ में इसके अंदर लगी पाइप भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो पाइप फैल जाती है या उसका साइज बढ़ जाता है। और जब हम बाइक को बंद करते हैं तो ये पाइप ठंडी होना शुरू हो जाती है और सिकुड़ने लग जाती है। और जब ये पाइप सिकुड़ते हुए ठंडी होती है तो उस वक्त बाइक से टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। फैक्ट नंबर थ्री, रसोई गैस के सिलेंडर लाल रंग के ही क्यों होते हैं? सिलेंडरों के अलग अलग रंगों से हमें क्या पता चलता है? ये तो आपको पता होगा कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले लाल सिलेंडरों में LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है और LPG के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को भी मानव हित के लिए सिलेंडरों में भरा जाता है। गैस को सिलेंडरों में भरना तो आसान है, लेकिन गैस से भरे हुए सिलेंडर अगर मिक्स हो जाए तो डिलीवरी करने वाले के लिए पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है। इसलिए हर प्रकार की गैस के लिए सिलेंडर को एक विशेष रंग दिया गया है। अगर सिलेंडर लाल रंग का हो तो उसमें LPG गैस भरी गई है। सफ़ेद रंग के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। ग्रे कलर के सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। काले रंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भूरे रंग के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है और नीले रंग के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि LPG गैस के सिलेंडर या रसोई गैस वाले सिलेंडर लाल रंग के ही क्यों होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।